नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान। आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज 18 के खास प्रोग्राम इंजन की सीटी पर वोटर बोले। आइए इस चुनावी सफर की शुरुआत करते हैं दुर्गपुरी एक्सप्रेस से। यह जो ट्रेन है कई विधानसभा से गुजरेगी, जिसमें खल्लारी, महासमुंद, आरंग, रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा है। कई नेता, कई मंत्रियों के बड़े चेहरे हैं। और आइए इस ट्रेन में सफर के दौरान जानते हैं जनता का नब्ज तो तोड़ते हैं कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं। और हमने तो अपनी ट्रेन पकड़ ली, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में किसकी ट्रेन छूटती है और किसकी ट्रेन सही समय पर पकड़ते हैं जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनता का मूड। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वोटर क्या बोल रहे हैं। और हमारे साथ देखिए कि ट्रेन में पढ़ाई करती हुई एक युवती है। आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? चुनाव तो बहुत एक्टिवली हो रहा है, लेकिन स्टिल हम यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे लिए ज्यादा कुछ किया नहीं है एज सच। तो जो सिटी की पॉपुलेशन है वो शायद ही कांग्रेस को वोट दे या उनके फेवर में कुछ बोले, क्योंकि यूथ के लिए ना ही कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज एज सच निकली है, ना ही एजुकेशन सिस्टम में हमारे लिए कुछ चेंजेस है। तो माइट पॉसिबल जितने भी एजुकेटेड पीपल्स है जो समझ रहे हैं उन चीजों को, और ना ही हमें कोई ग्रोथ डेवलपमेंट दिख रही है अपनी सिटी में, ना ही रायपुर में, ना ही भिलाई के अलग क्षेत्रों में। देखिए, जो युवा सोच है उनके बारे में बताया है और लोगों से जानकारी लेते हैं। देखिए, वोटर्स है, बोलेंगे ही, मुद्दे है, चुनाव है, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको। आना तो भाजपा को चाहिए, कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए, हमारा तो वही है, हमारा तो वही होगा जो हो रहा है, बाकी उनकी मौज है। मगर ना देश के लिए कुछ ना कुछ करे और गरीबों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करे। जी जीत चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन जो भी सरकार आए उसको क्या मुद्दे मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले तो जैसे भी करके हमारा कंट्री का अपलिफ्टमेंट इन द केस ऑफ एजुकेशन और पॉलिटिकल फील्ड में भी, हर चीज में, जैसा इकोनॉमिकल फील्ड है, हर चीज का इन एवरी स्पेयर में कैसा करके हम अपने स्टेट एंड हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। ये एक फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं बागभरा से रायपुर जा रही हूँ। देखिए, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, इस बार क्या मुद्दे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग वोटर्स हैं, क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? जो वादा करते हैं उसको पूरा करे करके सरकार करके वोट करते हैं, पूरा तो होता नहीं है सब चीज, कुछ ना कुछ अटका ही देते हैं। सरकार की इस बार कौन सी काम अच्छी लगी है, कौन सा काम आपको ऐसा लगता है कि अधूरा है? सड़क योजना दिए है वो बहुत अच्छा है, और घर वाला जो योजना दिए है ना वो ना बहुत हद तक ना बेकार है बोलती हूँ मैं, पूरा नहीं किए हैं उसको, आधा करके छोड़ दिया है, उसको पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप तो कई चुनाव देखे होंगे, सरकार बदलती पलटती आप देखे होंगे, क्या आपको लग रहा है इस बार? इस बार तो कांग्रेस की शासन आने वाली है। जी क्यों ऐसा लग रहा है आपको? किसानों का धान है, ऋण माफ है, कर्ज माफ है, ये सब चीज है। क्या काम अच्छी लगी है कांग्रेस की आपको? सबसे ज्यादा धान खरीदी है, बहुत अच्छी लगी किसानों के लिए, दीनहीन दुखियों के लिए वो सब कर दिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े कार्य है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं आप? कांग्रेस की सरकार है। क्यों आए भैया कांग्रेस की सरकार क्यों कर रहे हैं? दादा का बात सुन के कह रहे हैं? नहीं, बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार? युवाओं के लिए भी काम किए हैं इन लोग, मतलब बेसिक नौकरी तो अलग बात है, बेसिक जो बेसिक काम किए हैं, बेसिक काम किए वो अच्छा लग रहा है। लोग जो है सरकार के कामों को अच्छा बता रहे हैं और कुछ लोग मुद्दे को बता रहे हैं, लेकिन वाकई में इस बार जो चुनाव है वो काफी चरम पर है और लोगों के मन में, वोटर्स के मन में कई मुद्दे, कई सवाल इस बार है। और इस बार विधानसभा चुनाव में और लोगों से हम चर्चा करते हैं। इंजन की सीटी पर वोटर बोले, और वोटर तो बोल ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए तमाम लोग मौजूद है। आप लोग बड़ा खुश लग रहे हो, एकदम खुश लग रहे हैं, सफर जोरदार हो, एक नंबर है। अच्छा, इस बार प्रदेश में, प्रदेश की सियासत में किसकी ट्रेन छूटेगी और कौन ट्रेन पकड़ेगा, बताइए? जो बिना टिकट है। अच्छा, बिना टिकट, अब कौन लगता है बिना टिकट वाले? ये बताइए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार?
भूपेश बघेल। क्यों भूपेश बघेल लग रहा है भैया? उन्होंने काम ही उसका काम वैसा है, किसानों का लोन माफ कर दिया है, लोन माफ कर दिया है। बिजली का रेट जी, बिजली बिल आप बोल रहे हैं, पहले भारी भरकम बिल आता था क्या? 100% भूपेश सरकार आएगी, भूपेश सरकार ही सही है। क्यों सही है आपको, क्यों लग रहा है? क्या पिछले मतलब पिछले इलेक्शन में जीती है और संगे संग किसान लोगों का माफ कर दिया लोन, वो बड़ा मुद्दा है, कर्जा माफ बड़ा है मुद्दा। प्लस हर जगह देखिए गोबर वोबर कौन खरीदता था, इसका गोबर का और बाकी चीजों का और इलेक्ट्रिक सिटी का कितने परसेंट लेस किया उन्होंने, बहुत सारी चीजें। और भूपेश जी ही आएंगे वापिस इस बार उसी पर भरोसा है, उनका ही भरोसा है, उनके उनके ऊपर हम सबको भरोसा है, हम सबकी बॉर्डर में है। कांग्रेस तो करेगी इस बार 75 पार, आपको क्या लग रहा है? 75 पार तो नहीं, बहुमत 75 ऊपर आएगी, 75 ऊपर आएगी। हाँ जी हाँ जी, अब क्यों आएगा जी 75? काम देख के ऐसा काम ऐसा लग रहा है कि वो ये 5 साल के अगले 5 साल में भी आएगी, अगले 5 साल भी आएगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए वोटर्स है बोल रहे हैं, ये तो काफी खुश नजर आए, लोगों से जानेंगे, सुने ना अभी क्या कहें, आपको क्या लगता है भैया छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? मोदी जी के मानेगा मोदी जी का, मोदी जी तो केंद्र में है भैया, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? मेरे को नहीं पता, कॉलेज नहीं है। आप बताइए आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करने जा रहे हैं? जी हम। क्या यहाँ विकास हुआ है, एजुकेशन पर क्या सरकार काम की है? उतना कुछ मुझे तो खास नजर नहीं आया है, क्योंकि बहुत इंग्लिश में ज्यादा लोग बात नहीं कर पाते हैं और अच्छा। हिंदी की मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन के मामले में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहिए। हालांकि बहुत टीचर का जॉब अवेलेबल है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, जो कि उड़ीसा वाले आराम से आके ले सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों के लिए थोड़ा अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत जरूरी है जी। तो उस हिसाब से मैं एजुकेशन सेक्टर पर गवर्नमेंट अगर आती है तो उसको काम करना होगा। बिल्कुल वो तो वही इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? मेरे को लग रहा है कि ऑब्वियसली काका की सरकार बनेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ नया चीज आए ताकि एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा वृद्धि हो। सरकार को काम करना चाहिए बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर पर काम करना चाहिए सरकार को। आप यूथ है, यूथ क्या सोच रही है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे होने चाहिए? इस बार देखिए जैसे कि गरीब के लिए काम करना चाहिए बेसिकली, जो कि कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार रनिंग चल रहा है वो गरीब को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जैसे बिलो प्रॉपर्टी लाइन वाले को बहुत ही विकासशील काम में लागू कर रहे हैं, सबको मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, और उससे काफी विकास होगा मुझे लगता है, क्योंकि बेसिकली बेसिक नीड्स को पूरा करना ही कोई भी सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी होती है। तो एजुकेशन सेक्टर पर काम होना चाहिए, आपको लगता है कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं? हाँ अधूरे तो सब में रहते ही हैं, लेकिन अच्छे प्रोग्रेस हो रहा है छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन हाँ इनका कहना है एजुकेशन सेक्टर पर काम होना चाहिए, काम करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तो जो भी सरकार आए उन्हें काम करना ही पड़ेगा। अब क्यों नहीं करना पड़ेगा, वोटर्स तो बोल रहे हैं। क्या अभी माहौल है बागबाहरा में, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? दोनों का है दोनों का है बोलती हूँ, दोनों का जोर है। भैया आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार विधानसभा का? बागबाहरा विधानसभा में तो ऐसा है कि दोनों प्रत्याशी अपने आप में मजबूत है, पर इस समय भाजपा का वहाँ पे परचम लहरा सकता है। तो यानी द्वारकाधीश थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, इसलिए कमजोर नजर आ रहे हैं कि जनता के बीच में उनकी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे उसका फोन मैंने पब्लिक का फोन नहीं उठाना, लोगों से नहीं मिलना, ये उनका एक माइनस पॉइंट है। अच्छा माइनस पॉइंट है। भैया बागबाहरा के विधायक जी फोन नहीं उठाने की बात वोटर्स कह रहे हैं, क्यों फोन नहीं उठाते, उठा लीजिए तो यहाँ ठीक बोलेंगे। और लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में तो जमीन कमजोर लग रही है, और ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का माहौल कैसे लग रहा है? छत्तीसगढ़ में अभी तो मान के चलिए कांग्रेस जो है 50-55 है ना, पर कुछ समय बाद पता नहीं क्या हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। अच्छा इतना कसमकस का माहौल? हाँ बिल्कुल कसमकस का, क्योंकि टिकट का वितरण वैसे ही हुआ है ना जी। बिल्कुल जो भी सरकार अच्छी है जनता के हित में काम करे वही सरकार अच्छी है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार छत्तीसगढ़ में? मुद्दे क्या है, सबसे पहले चकबंदी यहाँ वो करें, चकबंदी एक एकड़ यहाँ किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। अगर चकबंदी जो भी सरकार आए अगर चकबंदी कर देती है तो जनता के हित में रहेगा।
दादा आप क्या सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में, किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनेगी। यूएस बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता जो है बहुत अच्छी तरह से रह रही है। यानी भूपेश बघेल अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा, जनता संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? कांग्रेस को। क्यों ऐसा लग रहा है? तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, कुछ अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं। आप बताइए दादा, छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में क्या आपको लग रहा है? अब क्या बोलोगे, ये बघेल का चांस दिख रहा है। बघेल का? क्यों बघेल का लग रहा है? ऐसे अब रमन और उसका ही टक्कर है। अब भैया 5 साल कांग्रेस रही है, अब भाजपा भी इसमें प्रयास कर रही है। तो भाजपा तो 15 साल रही है। 15 साल रही है, लेकिन इसका काम अच्छा लग रहा है इस बार? इस बार से कांग्रेस का काम अच्छा लग रहा है। क्या काम अच्छे लगे हैं? कांग्रेस का काम ऐसा है कि अभी किसानों के लिए जो किया है और कर्मचारी के लिए जो किया है वो काफी बेहतर है। फिलहाल काफी बेहतर है। तो काफी बेहतर बता रहे हैं। क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? भाजपा। भाजपा क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जैसे लोगों को सोचना है, कांग्रेस जो है मतलब काम ऐसे करती नहीं है। सबसे पहली बात तो दारू ये सब में बहुत ज्यादा घुसी पड़ी है। लॉकडाउन के समय जहाँ पे दारू नहीं मिलना चाहिए था वो पूरा घर तक पहुँचा कर उसको दिया जा रहा था। बहुत सारे मतलब निकले थे, मतलब भर्ती के लिए भी, पोस्ट के लिए भी, लेकिन वो हुआ नहीं, पेपर लेके भी रोक दिया गया। तो सरकार तो बेरोजगारी भत्ता दी है, आपको मिला नहीं? नहीं। तो जॉब के लिए पहले प्रीफर कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी बहुत कुछ हुआ नहीं है, पेपर दिला दिला के भी बैठे हैं, उसके लिए थोड़ा होना चाहिए। तो यूथ इस बार क्या सोच रहे हैं? यूथ के बारे में ही सोच रहे कि जॉब जल्द से जल्द मिले। अच्छा। मतलब रोजगार पर काम होना चाहिए, रोजगार पे रोजगार मिलना चाहिए। जी रोजगार मिलना चाहिए बोल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? सेमरा कौन से विधानसभा? क्या माहौल है भैया? नीलम चंद्र कर रहे हैं। नीलम चंद्र कांग्रेस आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं कांग्रेस? काम अच्छा है उनका। काम अच्छा लग रहा है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में क्या आपको लग रहा है? समारा तो है कांग्रेस का। कांग्रेस का? क्यों कांग्रेस का भैया? किसानों के लिए अच्छा काम किया है। कर्जा माफी हुआ है? कितना हुआ है? वो तो पता है, बाद में पता चलेगा। तो कर्जा माफी हुआ होगा तो कुछ तो गहना वहना खरीदे होगे ना? नहीं नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? ना हुआ है तो संतुष्ट है कर्जा माफी से? तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? देखेंगे आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? बीजेपी की सरकार आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भैया? नहीं कांग्रेस की सरकार उसने कुछ किया नहीं अभी तक। क्या नहीं किए हैं? क्या नहीं किए हैं? मैं आर्मी लॉरम सर। लेकिन अभी तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। आपको विधानसभा के राजीव तो राजीव में क्या विकास हुआ है? वहाँ विजय शुक्ला ने अच्छा विकास किया? कुछ नहीं कुछ। क्यों नहीं किया है? क्या पता किया है? क्या पता। तो इस बार किसकी जमीन मजबूत आपको लग रहा है? मुझे बीजेपी की। आप बताइए भैया क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में बीजेपी का माहौल। थोड़ा कैमरा तरफ देख दीजिए, क्या माहौल लग रहा है छत्तीसगढ़ में? बीजेपी का माहौल। क्यों ऐसा लग रहा है? अभी तो कांग्रेस का उतना बोलबाला नहीं है। बोलबाला नहीं है। एक भैया ऊपर में बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन आराम से बैठा है और कौन अभी तेजी से चल रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में कौन तेजी से चल रहा है और कौन पीछे हो गया? कका भी जिंदा है। कका भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ के संस्कृति का सम्मान बढ़ाया है। क्या क्या बढ़ाया है? क्या काम? नरवा गुरवा है, संस्कृति का है, उसका उत्थान किया है, गोठान का उत्थान किया है। इस सब तरह के अब क्या मुद्दे रहेंगे भैया इस बार? इस बार तो किसानों का मुद्दा तो सर है, वो तो साफ है, उसका तो बढ़ा रहे हैं। तो कका पर भरोसा जता देंगे? जताएंगे, पूरा जताएंगे। तो आइए कुछ लोगों से और चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताइए, छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग वोटर्स हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या है? मुद्दे जैसा है सब सही है, बहुत अच्छा है भूपेश बघेल का कार्यकाल, और बिल्कुल जो बोल रहे ना 75 पार ऐसा ही होगा। ये देखो 75 पार आपने कहा, 75 पार क्यों? 75 पार क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। काम ही ऐसा है? जी जी जी। और काम अच्छा है तो 75 पार हो जाएगा? जी 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 100% 100% जी जी। और कौन से काम आपको अच्छा लगा कि लगा इसलिए आप 75 बोल रहे हैं? जी उनको उनमें जो है जनता को खुश रखने का
बहुत अच्छा, मतलब ऐसा है कि सभी वर्ग को खुश करके रखे हुए। आप खुश हैं? जी जी 100%। पेंशन वेंशन मिलता है? अभी मिल रहा है। मिल रहा है, संतुष्ट है पेंशन से? हाँ जी। और सरकार का कौन सा काम अच्छा लगा या कौन सा काम आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए? ठीक है, ठीक सर चल रहा है, मंत्री ठीक है हमारे छत्तीसगढ़ का। हाँ, कौन है आपके तरफ के विधायक? हमारे इधर का आशीष छाबड़ा। क्या काम अच्छे करते हैं? हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं, वही आए हमारे क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है आपका दादी? दुर्ग जिला बेमेतरा। अच्छा बेमेतरा। हाँ। बेमेतरा से हैं आप? हाँ जी। और वहाँ काम काज अच्छा हुआ है? हाँ ठीक हो। सड़कें पुल पुलिया अच्छी बनी है? बन रहा है। बन रहा है ना। हमारे साथ कुछ यूथ हैं और इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। भैया आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्यों इतना खुश हैं? सफर अच्छी है? सफर अच्छी है, टूर करके आ रहे हैं। टूर करके आ रहे हैं। और तो छत्तीसगढ़ में तो अब चुनाव होने वाले हैं, क्या सोचते हैं? चुनाव का तो कुछ माहौल समझ में नहीं आ रहा है, दोनों पार्टियों का कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भैया, क्या कुछ होगा बताइए? भाजपा आ भी सकती है, कांग्रेस भी मजबूत है। कांग्रेस भी मजबूत है? कांग्रेस क्यों मजबूत लग रहा है आपको? काका का माहौल है अभी। अच्छा काका का माहौल है इसलिए खुश हैं। जी बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? जो पहले के मुद्दे थे किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो तो सभी फुलफिल कर दिए हैं हमारे काका ने जी। तो अब उनके चांसेस इस बार भी ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा यानी काका है तो भरोसा है? जी 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 फुल भरोसा है। तो इतना भरोसा क्यों है भैया? हमारी डिमांड्स पूरी कर दी है तो फिर उसके अलावा क्या चाहिए हमें? देखिए युवाओं की डिमांड पूरी कर दी और तो काफी लोग यहाँ पर हैं। अब भैया आप कहाँ रहते हैं? मैं कोरबा में रहता हूँ। कोरबा में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या सोचते हैं इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो अभी बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी या कांग्रेस किसकी जमीन आपको मजबूत लग रही है इस बार? कांग्रेस की। क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस की मजबूत? कांग्रेस विकास के कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं। कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे हैं? अभी जो किसानों कर्जा का माफी किया हुआ है। हाँ। और प्लस 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने का है, बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो कांग्रेस का सरकार बनेगा इस बार जी। क्यों आपको? हम लोग किसान है, पिछले समय भी कर्ज माफी किया था और इस समय भी 20 क्विंटल का ये अभी धान खरीदने का बोले भूपेश बघेल जी। आपका कर्जा माफी हुआ? हाँ हम लोग। कितना हुआ? इस साल तो अभी नहीं हुआ है, पिछले समय में हुआ था। अच्छा अच्छा ये बताइए क्या इस बार मुद्दे होने चाहिए? इस बार मुद्दे वही रोजगार के लिए और जो अभी तो फिलहाल अभी जो सरकार की वो कर रही है छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचा के रखी। इस बार जो सरकार ने किया छत्तीसगढ़ संस्कृति, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल है उसको बढ़ावा दिया गया और छत्तीसगढ़ सरकार में भी जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, शायद ये पहली बार हुआ होगा जो एक महीने के अंदर एग्जाम लेके उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया, ज्वाइनिंग ले दिया गया। तो ये जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो सरकार है वो दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल ये देखिए छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस सरकार आना चाहिए युवा का कहना है और भी तमाम लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, क्या कुछ अच्छे काम हुए हैं क्या आपको लगता है? नहीं भूपेश बघेल ने तो बहुत अच्छा काम किया है और हमको पूरा विश्वास है कि महासमुंद तो भी कांग्रेस ही आई। तो महासमुंद में कुछ विकास हुआ है? बढ़िया विकास हुआ, विकास हुआ है। और सरकार ने जो कर्जा माफी की बात कही है इससे क्या किसान प्रभावित होगा, सरकार दोबारा आ सकती है? अब ये तो समय ही बताएगा। 15 साल हमने भाजपा की सरकार देखी जहाँ विकास एक नई ऊंचाई पर जा रहा था छत्तीसगढ़, वही पिछले 5 वर्षों में सिर्फ किसान का एक मुद्दा लेके ये सरकार बनाई है परंतु विकास के जो कार्य है बिल्कुल ठप हो गई है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? क्या लग रहा है भाई को आप लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, इस बार किसकी सरकार बनते नजर आ रही है? इस बार भाजपा की दिख रही है। भाजपा कैसे, क्या अच्छा लगा उनका? उनका सब चीज अच्छा लगा, हर चीज बनवाए है उन लोग, सब चीज किए रायपुर में।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने क्या अच्छा काम किया है, क्या अच्छा लगता है? अच्छा किया है, रोड बनवाए हैं, हर जगह फैसिलिटी दिया है। तो किसकी सरकार बनेगी फिर? भाजपा की बनेगी। भाजपा की? तो सड़कें तो अगर आप कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने, हाँ, तो उनकी सरकार बनेगी कांग्रेस की सरकार। उसमें भाजपा ने वो कर लिया ना सरकार, तो कांग्रेस वाले ही बनाए थे पूरी रोड, लेकिन मुद्दा तो भाजपा वाले ने अपना रख लिया। टिकट कटाकर सही समय पर हमने तो ट्रेन पकड़ लिया, लेकिन क्या जिनको टिकट मिला है वो सही समय पर सियासत की ट्रेन पकड़कर सत्ता की सफर तय करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। हालांकि ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने खुलकर बेरोजगारी पर बात की, उन्होंने भूपेश के कामकाजों को अच्छा बताया तो कुछ विपक्ष को वापस आने की बात कही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल आज के इस चुनावी सफर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई सफर में। इंजन की सीटी पर बोले वोटर्स। फिलहाल मुझे अनिशा किरमान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।